बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 5056677 यानी 5056677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। क्षितिज पे सूरज किसी नई नवेली दुल्हन के माथे का टीका लग रहा था और लहरें मानो उछल उछल के उस नई दुल्हन का माथा चूम रही थीं। डबडबाई आंखों से आरती एक टक क्षितिज को निहारे जा रही थी और सोच रही थी कि कभी यूं ही अपने माथे पे लाल टीका सजाए वो भी अपने वरुण की बाहों में सिमट जाया करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वरुण आरती से दूर जा चुका है और उसके पास बाकी है तो बस खामोशी और अकेलेपन से भरा हुआ एक कॉटेज और बाहें फैला के पुकारता हुआ सागर। समंदर के किनारे खड़ी आरती के मन में अजीब सा ख्याल आया, वरुण की बाहें नसीब नहीं तो क्या, आज वो अपने सागर की आगोश में खो जाएगी। वो तेज कदमों से रेत को पार करती हुई पानी में उतर आई। सूरज से पहले वो सागर में डूब जाना चाहती थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे लेकिन उसके मन की दृढ़ता उसको आगे बढ़ाए जा रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, उसके कदम लड़खड़ाए और वो मुंह के बल पानी में गिर पड़ी। उसने अपने आंसुओं से भीगी पलकों को मूंद लिया और सागर की बाहों में हमेशा के लिए समा जाने के लिए तैयार हो गई। एक गहरी सांस और फिर कुछ लम्हे अपने ऊपर पानी का दबाव महसूस करती रही, लेकिन अचानक उसको लगा जैसे कोई उसकी दाई हथेली पकड़ के उसको पानी की सतह की ओर खींच रहा हो। उसकी सांसें जो थक के कुछ पल के लिए रुक गई थीं, वो अब लड़ने को तैयार हो गई थीं। आरती ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो कमर तक पानी में डूबी हुई थी। लहरें अपना फेना उसके इर्द गिर्द छोड़ के आगे बढ़ रही थीं और आरती की दाई हथेली से लिपटी हुई थी जैस्मिन के फूलों की एक माला। ये माला? सर से पांव तक भीगी हुई आरती ने खड़े होकर इधर उधर देखा लेकिन उसको कोई नजर नहीं आया। फिर किसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा था? उफ, ये क्या बेवकूफी करने जा रही थी मैं। आरती ये सोची रही थी कि हवा के झोंके पे सवार कहीं से बांसुरी की तान उसके कानों से टकराई। आरती ने मुड़के देखा, वो किनारे से काफी दूर चली आई थी। बीच बिल्कुल खाली था, वहां सिर्फ एक परछाई दिख रही थी और शायद बांसुरी की आवाज भी उसी से आ रही थी। वो परछाई उसी की ओर आ रही थी। आरती सागर को पीछे छोड़ किनारे की ओर चल पड़ी। कुछ कदमों के बाद परछाई की आकृति स्पष्ट होने लगी। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी से झांकती हुई उसकी हंसी और मैले कुचैले कपड़ों में वो आकृति अभी भी उसकी ओर ही बढ़ रही थी। कोई और दिन होता तो आरती को डर लगता, लेकिन आज वो डरी नहीं। अक्सर मौत को नजदीक से देखने के बाद इंसान के बाकी सारे डर भाग जाते हैं। अचानक वो आकृति एकदम से रुक गई। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने जोर से सर हिलाया और पीछे मुड़के भागता हुआ किनारे पर जा खड़ा हुआ। आरती अब भी 5-7 कदम दूर थी किनारे से और वो अजनबी उसको एक टक देखता जा रहा था। उसके किनारे पे पहुंचते ही वो शख्स बांसुरी बजाता हुआ मछुआरों की बस्ती की ओर चल पड़ा। उसकी बांसुरी में न जाने क्या जादू था कि आरती भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वैसे भी आरती को उस खामोशी और अकेलेपन से भरे कॉटेज में लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद वो व्यक्ति समंदर किनारे बने एक चर्च की सीढ़ियों पर बैठ गया। आरती उन सीढ़ियों से टिक के खड़ी हो गई और न जाने कितनी देर सुनती रही उसको। चर्च की घंटी ने आरती की तंद्रा तोड़ी और उसके कदम खुद बखुद चर्च की ओर बढ़ गए। रेत से सनी और गीली आरती ने खुद को चर्च के खाली प्रार्थना कक्ष के बीच प्रभु के सामने खड़ी पाया। उसके कांपते हाथ अचानक ही जुड़ गए और आरती रो पड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 5056677 5056677।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आरती जीने की चाह खो बैठी है और वो समंदर की आगोश में समा जाना चाहती है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसको डूबने से बचा लेती है। तभी उसको किनारे पे वो बांसुरी वादक दिखता है जिसके पीछे चल के वो चर्च तक पहुंच जाती है। अब आगे। मैं फादर फ्रेडरिक हूं, आप नहीं आए हैं यहां? सफेद गाउन पहने, चेहरे पे एक अलौकिक तेज और एक मधुर मुस्कान लिए आरती के सामने एक पादरी आ खड़े हुए। नहीं, मैं यहां 2 साल से रह रही हूं, आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा। इससे पहले कि फादर कुछ और पूछ पाते, आरती ने पूछा, फादर जो बाहर बैठ के बांसुरी बजा रहा है वो कौन है? पाब्लो, यही मछुआरों की बस्ती में रहता है, फादर ने यूं कहा मानो अपने किसी बहुत करीबी के बारे में बता रहे हों। फादर, वो ऐसा क्यों है? उसकी बांसुरी की तान इतनी उदास क्यों है? मेरी बच्ची, एक लंबी कहानी है। फादर ने आरती को वहीं बेंच पे बैठने का इशारा किया और अपना गला साफ करके कहानी सुनाने लगे। पाब्लो की बांसुरी की धुन चर्च के हर कोने में तैर रही थी। ये पाब्लो की नहीं, पाब्लो और जैस्मिन की कहानी है। पाब्लो मछुआरों की बस्ती का सबसे बढ़िया तैराक था और जैस्मिन यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की। स्वभाव से दोनों बिल्कुल अलग थे। पाब्लो शांत था, सुलझा हुआ था, दूसरी तरफ थी अल्हड़ चंचल जैस्मिन। उसने अपनी माँ को बहुत छोटे में ही खो दिया था। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी इस बस्ती के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि उसको अपने अपन के प्यार ने बिगाड़ दिया था। वो बहती हुई दरिया सी थी, सारा दिन गांव में धमा चौकड़ी मचाती फिरती, लेकिन जिस घर में घुसती वहां खुशियां बिखेर के ही बाहर निकलती। एक बार उसने मुझसे कहा था कि उसको वक्त से आगे निकलने की जल्दी थी। बचपन के साथ खेलते खेलते न जाने कब दोनों में प्यार हो गया। अलग मिजाज तो थे दोनों के, लेकिन लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैस्मिन पल भर में कम बोलने वाले पाब्लो की मन की बात पढ़ लेती और पाब्लो जैस्मिन की शरारतों के पीछे छुपे सच को झट से पकड़ लेता। दोनों लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को खूब छेड़ते, लेकिन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते थे। जैस्मिन के मुंह से कोई बात निकले और पाब्लो उसको पूरा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हर सुबह जब पाब्लो अपनी मछलियों से भरी कश्ती किनारे लगाता तो वो जैस्मिन को अपने इंतजार में वहां खड़ा पाता। एक बार पाब्लो ने मुझसे कहा था कि जिस सुबह वो जैस्मिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखता, वो दिन ही खराब हो जाता है। सच कहूं तो दोनों इस बस्ती की जान थे। बस्ती के जिस जश्न में पाब्लो अपनी बांसुरी नहीं बजाता और जैस्मिन नाचती नहीं, वो जश्न ही फीका लगता। पाब्लो और जैस्मिन के घर वाले ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती दोनों को एक जोड़े के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने इनको शादी के बंधन में बांधने का सारा इंतजाम भी कर लिया था। पूरी बस्ती इनकी शादी के जश्न की तैयारी कर रही थी। अपन जैस्मिन के लिए सिल्क और लेस से बना एक सफेद गाउन सिलवा लाए थे शहर से। 4 बच्चों में से जैस्मिन उनकी सबसे चहेती बच्ची थी। वो अपनी बच्ची को बिल्कुल परी की तरह सजा देखना चाहते थे। शादी इसी चर्च में यहीं होने वाली थी और मैं ही उनको मैन और वाइफ का दर्जा देने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हुए फादर के चेहरे पे उदासी छा गई। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-667-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, फादर फ्रेडरिक आरती को पाब्लो और जैस्मिन की कहानी सुना रहे हैं और बताते हैं कि कैसे पाब्लो और जैस्मिन एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए ही बने थे। 2 दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी। अब आगे। शादी के 2 शाम पहले जैस्मिन ने अपने भाई के हाथों पाब्लो को एक चिट्ठी भिजवाई जिसमें उसने पाब्लो को उस रात मछली पकड़ने जाने से मना किया था और उसको बस्ती से थोड़ी दूर सैंटा बीच पे रात के 9 बजे बुलाया था। फादर को बीच में रोकते हुए आरती बोल पड़ी, शादी के 2 शाम पहले पाब्लो को यूं मिलने के लिए बुलाना, कितनी हिम्मत रही होगी जैस्मिन में। फादर हंसने लगे, हाँ
बस वो ही ऐसा कर सकती थी। वो रीति रिवाजों को मानती तो थी लेकिन उनमें बंधना नहीं चाहती थी। बचपन से ही प्रेयर करते वक्त वो अपनी आंखें नहीं मूंदती थी, कनखियों से बस इधर उधर देखती रहती थी। मैं उससे आंखें बंद करने को कहता तो मुझसे कहती, फादर मुझे बंद आंखों से बस अंधेरा ही दिखता है लेकिन खुली आंखों से सामने गॉड दिखते हैं। कोई उसके ऐसे लॉजिक पे कैसे नाराज हो सकता था। आरती सर झुकाए अपनी हथेलियों को ताकते हुए सोच रही थी, कभी तो वो भी बिल्कुल जैस्मिन की तरह हुआ करती थी। जात पात धर्म में उसको भी जकड़े जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। वरुण और उसका भी अंतर जातीय प्रेम विवाह था। जब आरती ने सर उठा के देखा तो फादर उसको गौर से देख रहे थे। आरती ने हौले से मुस्कुरा दिया और फादर फिर कहानी सुनाने लगे। जब सारे मछुआरे अपने काम पर निकल गए तो पाब्लो सैंटा बीच पहुंचा। जैस्मिन वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अंकल पीटर की छोटी सी नाव से टिक के खड़ी थी। पाब्लो कहता है कि बहुत सुंदर लग रही थी जैस्मिन उस रात। उसके बालों में जैस्मिन के फूलों की माला भी थी उस रात। पाब्लो से उस रात जैस्मिन ने नाव को पानी में उतारने को कहा। फादर ने पल भर के लिए कहानी की लय को तोड़ते हुए कहा, जानती हो बेटी, इस मछुआरों की बस्ती के लोग जितने पिछड़े दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और शादी करवाने से पहले इनको समंदर में नौका उतार के मछली पकड़ना सिखाते हैं, ताकि अगर लड़की पे कोई मुसीबत आन पड़े तो वो खुद के पैरों पे खड़ी होने में समर्थ हो। खैर, जैस्मिन की मस्ती से हैरान था पाब्लो, फिर भी उसने जैस्मिन की बात मान ली और नाव पानी में उतारने के लिए नाव में बैठने लगा। जैस्मिन ने उसको मना कर दिया और कहा, मैं अकेले जाऊंगी आज, तुम यहीं खड़े होकर बांसुरी बजाना मेरे लिए। जब मैं उस लाइट हाउस पे पहुंच जाऊंगी तो वहां से लालटेन दिखाऊंगी, तब तुम तैर के मेरे पास तक आना। लेकिन तुमने तो अभी ठीक से नाव चलाना सीखा भी नहीं है। अपन रोज तुमको नाव चलाना सिखाने के लिए बुलाते हैं लेकिन तुमको अपनी सखी सहेलियों से फुर्सत कहां, और लाइट हाउस किनारे से कितनी दूर है। पाब्लो, अगर मैं समंदर के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूं, जैस्मिन ने हंसते हुए जवाब दिया। पाब्लो, इतनी दूर तैरने में कहीं तुमको डर तो नहीं लग रहा है? इम्तिहान है तुम्हारे प्यार का, सोच लो, जैस्मिन ने पाब्लो को चिढ़ाते हुए कहा। जैस्मिन की कहानी सुनाते सुनाते फादर अचानक चुप हो गए थे और न जाने क्यों आरती मन ही मन जैस्मिन की कुशलता की प्रार्थना करने लगी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना फादर फ्रेडरिक आरती को जैस्मिन और पाब्लो की कहानी सुना रहे हैं। जैस्मिन पाब्लो को अपनी शादी के 2 रात पहले सैंटा बीच बुलाती है और अकेले एक छोटी सी नाव लेके लाइट हाउस तक जाने की जिद करती है। अब आगे सुनो पाब्लो, 2 दिन बाद जब मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारी बातें माना करूंगी। आज तो मेरी बात मान लो, जैस्मिन ने पाब्लो से कहा था। इससे पहले कि पाब्लो उसको रोक पाता, जैस्मिन ने चप्पू चलाना शुरू कर दिया था। पाब्लो जानता था कि जैस्मिन ने अगर ठान लिया तो उसकी एक नहीं सुनेगी। पाब्लो ने हाथ हिलाते हुए आवाज दी थी, सुनो, ज्यादा दूर मत जाना, और हाँ, मुश्किल हो तो आवाज दे देना या लालटेन हिला देना, मैं आ जाऊंगा। जैस्मिन खिलखिला के हंस रही थी, जैसे किसी बच्चे के हाथ में उसका पसंदीदा खिलौना थमा दिया गया हो। वो हंसती हुई अंधेरे में ओझल हो गई। पाब्लो वहीं खड़ा बांसुरी बजाया जा रहा था। आज वो जैस्मिन की सबसे पसंदीदा धुन शकुंतले निन्नदे ओरम वरुण, यानी शकुंतला तुम्हारी याद आएगी, बजा रहा था। लेकिन उसकी धड़कनें तेज थी आज। कुछ मिनटों में ही उसको अपनी बांसुरी की तान नहीं बल्कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी थी। हर रात अपनी नाव को दूर समंदर में ले जाने वाला पाब्लो आज पहली बार समंदर से डर रहा था। उसने आंखें बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना की, समंदर, मेरी जैस्मिन मुझको सही सलामत वापस कर देना। फादर कहानी सुनाते सुनाते अचानक चुप हो गए और अपनी नजरें उठा के ईसा की मूर्ति की ओर देखा। कुछ पल यूं ही देखते रहे, फिर एक मोमबत्ती की लौ पे अपनी नजर टिकाते हुए बोले, हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता, किस्मत बहुत कुछ अनचाहा कर जाती है।
है ना बेटी? आरती ने सर हिलाते हुए हामी भर दी। सच उसने भी कहा चाहा था कि वो अम्मा बाबा और वरुण से यूं दूर हो जाए। ये सोचते हुए उसकी आंखों के कोरों पे फिर आंसू आ गए। एक घंटा बीत जाने पर भी जब जैस्मिन ने लाइट हाउस से कोई संकेत नहीं दिया तो पाब्लो को बेचैनी होने लगी। वो जानता था कि उसकी आवाज लाइट हाउस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो जोर जोर से जैस्मिन का नाम पुकार रहा था। जैस्मिन, जैस्मिन, अब बहुत हो गया जैस्मिन, अब वापस आ जाओ। पाब्लो को ये अंदेशा हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ी हुई थी। वो जैस्मिन का नाम पागलों की तरह पुकार रहा था और लाइट हाउस की ओर तैरने लगा था। उस रात तैरते वक्त उसकी सांसें फूल रही थीं। बस लाइट हाउस के पास पहुंचने ही वाला था कि उसके सामने वही हकीकत थी जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। जैस्मिन की नाव पलटी हुई थी। जैस्मिन का कोई ठिकाना नहीं था। जैस्मिन ने जो सफेद फूलों का गजरा पहना हुआ था, बस वो वहां पानी की लहरों के साथ हिचकोले खा रहा था। पाब्लो ने बहुत सी डुबकियां लगा के जैस्मिन को खोजने की कोशिश की, लेकिन जैस्मिन नहीं मिली। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने भी हर तरह की कोशिश की, लेकिन जैस्मिन कहीं नहीं मिली। समंदर की बेटी समंदर में ही खो गई थी। वो वाकई समय के आगे निकल गई थी। ये कहते हुए फादर ने आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली। आरती के गाल फिर गीले हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि पाब्लो की बांसुरी की आवाज आना बंद हो गई थी। आरती कहानी में इतना खो गई थी कि जैस्मिन से उसको खुद को अलग करना मुश्किल हो रहा था। वो बेसुध होके दरवाजे की ओर दौड़ी। अब वो पाब्लो का नाम लेके पुकार रही थी, पाब्लो, पाब्लो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना फादर फ्रेडरिक आरती को पाब्लो और जैस्मिन की प्रेम कहानी सुना रहे हैं। जैस्मिन एक दिन समंदर में डूब जाती है और आरती कहानी में इस कदर डूब गई है कि उसके लिए जैस्मिन को खुद से अलग करना मुश्किल लगता है। वो बेचैन होकर पाब्लो को पुकारने लगती है। अब आगे। आरती चर्च के दरवाजे पे खड़ी थी। पाब्लो अब वहां नहीं था। फादर ने पीछे से कहा, बेटी वो चला गया होगा, अब इस वक्त वो सेंटा बीच के किनारे बैठ के अपनी जैस्मिन से बातें करता है। फादर, लेकिन पाब्लो की ये हालत क्यों है? पूछते पूछते आरती के गले में एक बड़ा सा दर्द का गोला अटक गया। जैस्मिन के जाने के बाद तो पाब्लो अपने होश ही खो बैठा है। पाब्लो ने उस रात के बाद कभी समंदर में नाव नहीं उतारी। कहता है उसको समंदर से नाराजगी है। कहते हैं समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, सब वापस कर देता है। मछुआरों का मानना है कि जो भी समंदर में डूबता है, तीसरे दिन समंदर उसका शरीर कहीं किनारे पर छोड़ जाता है। पाब्लो भी पिछले 3 साल से इसी इंतजार में है। वो सारा दिन बांसुरी बजाते हुए अपनी जैस्मिन के वापस आने के इंतजार में मीलों समंदर के किनारे चलता रहता है। हर शाम अपनी जैस्मिन के लिए वो बेला फूलों की एक माला समंदर में बहा देता है। आरती हिचकियां लेके रोने लगी थी। समंदर से निकलते वक्त पाब्लो का उसकी ओर हंसते हुए बढ़ना अब उसको समझ आ रहा था। आरती सोच रही थी कि काश आज वो नहीं बल्कि जैस्मिन समंदर से बाहर निकल आई होती तो पाब्लो की वो मुस्कान वैसी ही बनी रहती। लेकिन उस फूल के माला का उसके हाथों से लिपट जाना और पाब्लो की बंसी की तान का उसको इस चर्च तक ले आना, इसमें उसके लिए कोई संकेत तो छुपा था। तभी फादर ने कहा, मैंने पाब्लो से कई बार कहा है कि जैस्मिन अब दूसरी दुनिया में चली गई है, अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। लेकिन हर बार पाब्लो कहता है कि दूर चली गई है तो क्या हुआ, वो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई है, मैं उसको आवाज देना नहीं छोड़ूंगा, शायद किसी दिन मेरी आवाज सुन के वापस चली आए। फादर ये कह के चुप हो गए। चर्च में खामोशी फैल गई। आरती के कॉटेज में बसी खामोशी की तरह नहीं, उस खामोशी में उदासी थी और इस खामोशी में सुकून।
पाब्लो की कही हुई उस बात ने आरती को झकझोर दिया। आरती ने अपनी आंखें पोछी, उसकी सूजी हुई लाल आंखों में अचानक एक चमक उभर आई। वो हंस पड़ी, एक अटपटी सी हंसी। आरती को पाब्लो और जैस्मिन की प्रेम कहानी से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी दूरियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना फादर फ्रेडरिक आरती को पाब्लो और जैस्मिन की लव स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, सब वापस कर देता है। इसी बात को मन में लिए पाब्लो जैस्मिन के वापस आने का इंतजार करता हुआ एक बार फिर समंदर किनारे बांसुरी बजाते हुए चल पड़ा है। पाब्लो का मानना है कि दूर होते हुए भी जैस्मिन उससे अब भी जुड़ी हुई है और वो उसको वापस बुलाने के लिए आवाज देना नहीं छोड़ेगा। पाब्लो की ये बात आरती की आंखें खोल देती है। अब आगे आरती हंस रही थी खुद पे और सोच रही थी, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाई मैं, क्यों नहीं समझ पाई कि दूरियों को मिटाने के लिए पहला कदम होता है आवाज देना। काश मैंने भी आवाज दी होती, अपने से दूर होते जा रहे अपनों को आवाज दी होती। फादर ने आरती को हंसते हुए देखा तो बोले, नहीं नहीं बेटी, पाब्लो पागल नहीं है, बस वो अभी भी जैस्मिन के प्यार में है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूं फादर, अब मैं चलती हूं, मुझे भी किसी को आवाज देनी है। उसने ईसा के सामने सर झुकाया और फिर तेज कदमों से बाहर निकल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती रही कि क्या माँ बाबा अब भी उससे उतने ही नाराज होंगे जितने उस दिन थे जिस दिन वरुण और उसने रजिस्टर्ड विवाह कर लिया था। केरल आने के बाद उसने दो बार घर फोन किया था लेकिन बाबा इतने नाराज थे कि उसकी आवाज सुनते ही फोन काट दिया था। क्या दो सालों में कुछ नहीं बदला होगा। कॉटेज पहुंचते ही उसने फोन से घर का नंबर मिलाया। उधर से एक भावविहीन और थकी हुई आवाज आई, हेलो। आरती जवाब देना चाहती थी लेकिन उसके होंठ बेतरह कांप रहे थे। उसकी बोलने की शक्ति पल भर के लिए गायब हो गई। वो भाव विभोर हो उठी थी। उसे अपने बाबा के आसपास होने का एहसास हो रहा था। फिर से बाबा ने कहा, हेलो, कौन? आरती इस बार इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। इस बार उसको आवाज देनी ही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए कहा, बाबा मैं आरती, प्लीज बाबा फोन मत काटिएगा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज बाबा, कहके आरती एक छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। कुछ देर बाबा चुप रहे, फिर बोले, कैसी हो, कहाँ हो और वरुण कैसा है? बाबा के मुंह से वरुण का नाम सुन के आरती निहाल हो गई। लेकिन वो बाबा को क्या बताती वरुण के बारे में, कैसे बता पाती कि वरुण और वो एक ही कॉटेज में दो अजनबियों की तरह रह रहे थे। वरुण की व्यस्तता से नाराज होके आरती और वरुण में झगड़ा हुआ था 2 महीने पहले और फिर दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दिया था। दोनों की इसी खामोशी में दूरियों के बीच पनपने लगे थे। वो बस इतना कह पाई थी कि वरुण ठीक हैं, बिजी रहते हैं काफी। फिर उसने सकुचाते हुए कहा था, बाबा क्या मैं कुछ देर में आपको फोन कर सकती हूं? हाँ ठीक है, बाबा ने कहा। उस रात जब वरुण ने कॉटेज का दरवाजा खोला तो सामने साड़ी पहने और माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगाए मुस्कुराती हुई आरती खड़ी थी। वरुण, आरती ने मुस्कुराते हुए वरुण को पुकारा। हाँ आरती। वरुण को आरती में आया ये बदलाव कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं, आरती हंसते हुए वरुण से लिपट गई। वरुण ने भी कस के आरती को पकड़ लिया। इन 2 महीनों में उसने कई बार आरती को मनाने की बात सोची थी लेकिन डरता था कहीं आरती उससे और नाराज ना हो जाए। वो इस एक पल को तरस गया था। आई मिस्ड यू वरुण, आरती ने रुंधे हुए गले से कहा। आई मिस्ड यू टू आरती, वरुण ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया।
दूर कहीं जैस्मिन के इंतजार में पाब्लो अभी भी समंदर किनारे बांसुरी पे कोई प्रेम धुन बजा रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।